प्यारे बच्चों, प्रिय बच्चों, और विशेष रूप से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई 2021 और 22 में परीक्षा देने वाले हमारे प्यारे बच्चों, बच्चों तुम लोगों को बहुत दिन से इंतजार होगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इस बार बोर्ड एग्जाम कैसा होगा। सीबीएसई ने आपकी सुविधा के लिए, आपके फायदे के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, आपका अच्छा रिजल्ट हो, आपका अच्छा भविष्य हो, वह सब चीज़ देखते हुए इस कोरोना पेंडेमिक में जो फैसला लिया है बोर्ड परीक्षा के लिए, वो आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। खास बात यह है कि इस बार सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा दो भागों में होने वाली है, टर्म वन एंड टर्म टू। आपको दो एग्जाम के मार्क्स मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। टर्म वन की परीक्षा जो कि आगामी 15 नवंबर से शुरू होने जा रही है, इसी मंथ यानी ये अक्टूबर मंथ चल रहा है, अक्टूबर इसी मंथ दो चार दिनों के अंदर आपका डेट शीट और सीबीएसई गाइडलाइन, एग्जामिनेशन संबंधी जो भी गाइडलाइन है, वह इसी सप्ताह अक्टूबर में निकल जाएंगे और 15 नवंबर से संभवतः आपका टर्म वन की परीक्षा होगी। राइट, आप जानते हो कि आपके सीबीएसई एग्जाम के कंट्रोलर कौन है, परीक्षा कंट्रोलर संजय भारद्वाज। उन्होंने बहुत सूझबूझ कर यह निर्णय लिया है कि विद्यार्थियों की जो इस बार बोर्ड परीक्षा होने वाली है जो टर्म वन की है, यह बिल्कुल 100% ऑब्जेक्टिव होगी, यानी ऑप्शन रहेंगे, चार ऑप्शन रहेंगे। और शायद यह पहली बार हमारे देश में जो भी एग्जाम हो रही है, हमारे देश की पहली बार यह ऐसा हो रहा है कि सीबीएसई ने यह निर्णय लिया है आपके हित के लिए कि जो हर एक परीक्षा में चार ऑप्शन होते हैं, उसके जगह पर अब आपको पांच ऑप्शन मिलेंगे। यदि पांच ऑप्शन मतलब आप नहीं समझे, चार ऑप्शन जैसे ए बी, किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन चार होते हैं, ए बी सी एंड डी। यदि चार ऑप्शन में यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर डी भरते हैं और यदि वह आंसर गलत हो जाता है, फिर आपके दिमाग में आता है कि यह क्वेश्चन गलत है, तो आपको राइट आंसर लिखने का आपको मौका मिलेगा। उस क्वेश्चन को आप काट कर उसके बाद पांचवा ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो यह सीबीएसई एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि बच्चों जो आपको ध्यान में रखते हुए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, आपका नंबर अच्छा आवे, यदि आप भूल से किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं तो वह काट कर आप पांचवे ऑप्शन में जो सही कन्फर्म आंसर आपका होगा वह आंसर भर सकते हैं। यह बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया हुआ है। राइट, दूसरी बात यह है कि आपकी जो परीक्षा होगी नवंबर से लेकर दिसंबर तक, यानी 4 से 8 सप्ताह तक ये एग्जाम चलेगा। राइट, और जिस दिन जो एग्जाम होगा, जिस विषय का, जिस सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा, उस सब्जेक्ट का मूल्यांकन उसी दिन आपका जो ओएमआर सीट होगा, ओएमआर सीट का स्कैनिंग किया जाएगा और स्कैनिंग करके सीबीएसई के पोर्टल पर आपका मूल्यांकन, आपका नंबर अपलोड कर दिया जाएगा। राइट, इसमें थोड़ी भी विलंब नहीं होगी। इसका मतलब कि आपका टर्म वन का जो परीक्षा फल है, रिजल्ट समय से आ जाएगा, क्योंकि जिस सब्जेक्ट का जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन सेम डे को आपका मार्क्स जो उस सब्जेक्ट का अपलोड इन सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। राइट, सभी क्वेश्चन 100% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और तीसरी बड़ी बात है कि आपके ये सेट जो है, हर एक सेट जो है, इसमें सीबीएसई जो है इसमें अलग अलग सेट निर्धारित किया है, आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगे, इसी सप्ताह गाइडलाइंस मिल जाएंगे और गाइडलाइंस के अनुसार सीबीएसई के तहत आपको सभी एग्जाम जो है स्कूल में ही, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी, ऑफलाइन एग्जाम होगा। ये बच्चे यह आशा नहीं करेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, लेकिन क्योंकि पूरे भारत में प्राय सभी स्कूल खुल गए हैं तो ऑफलाइन एग्जाम होगा, और यह ऑफलाइन एग्जाम बिल्कुल 100% ऑब्जेक्टिव हो गए और उसी दिन आपके परीक्षा पर निकल जाएगा। राइट, सेकेंड बात यह है कि सेकेंड टर्म का जो एग्जाम होगा वह वस्तुनिष्ठ हो, यानी सब्जेक्टिव होगा। टर्म वन ऑब्जेक्टिव और टर्म टू सब्जेक्टिव। अपरिहार्य कारण से सीबीएसई ने यह फैसला लिया, यदि कोरोना पेंडेमिक, यदि कोरोना की इसी बिगड़ती है, तो आपके जिस तरह से 90 मिनट्स का, यानी 1.5 घंटे का एग्जाम जो टर्म वन होने वाला है, उसी तरह से टर्म टू की परीक्षा भी होगी, लेकिन
यदि समाज स्थिति रहेगी, यदि कोरोना जैसी महामारी अब नहीं होगी, तो आपके सब्जेक्ट यानी वस्तु विषय परक यानी आपको विश्लेषण, आपको आंसर जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट बात यह है कि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर सही रूप से देना है और परीक्षार्थियों को सही यानी देश के प्राय जितने परीक्षार्थी हैं उनका परीक्षाफल अच्छा हो, इसलिए CBSE ने आपके भविष्य के लिए अच्छा निर्णय लिया है। और मैं आशा करता हूँ कि व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली एंड यू बिकम हैप्पी दैट योर रिजल्ट विल वेरी बेटर। तो ठीक है बच्चे, धन्यवाद।